ई महान पुरुष का दिवस में करता हूँ कि मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करूँगा ना ही किसी अपने परिचित से नशे के लिए कहूँगा। मैं नशे के कारोबार को रोक कर नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करूँगा। मैं लोगों को नशे के गंभीर परिणामों से अवगत कराऊंगा। वह उन्हें नशा मुक्त जीवन जीने का पड़ोस और राष्ट्र की नशे से रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। नशा समस्त बुराइयों की जड़ है। मैं इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सदा प्रयत्न करूंगा।
टूर्नामेंट सर लीग का नॉकआउट बेसिस पे खेली जाएगी। हर एक टीम में तीन पूल बनाए हुए हैं, हमने 12 जोन है, हमारे 12 टीमें हैं हमारे पास। सबसे पहले इनकी ट्रायल हुए थे जोन लेवल पे। हर एक जोन के अंदर मैक्सिमम जो हमारे थे 233 भी बचे हुए, लेकिन मिनिमम पार्टिसिपेशन हर जोन के अंदर जो थी वो 200 प्लेयर्स की थी, 2000 प्लेयर। और सर 2161 बच्चे जो है हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, ये सभी बच्चे उनमें से हर जोन के 16-16 प्लेयर जो। हाँ जी, कठुआ में आज LG रोलिंग ट्रॉफी की शुरुआत एडिशन DC कठुआ की जानिब से ओपनिंग करवाई गई। तो इसकी जो ई लॉन्च ये हुई है टूर्नामेंट, वाइस को चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर UT ने श्रीनगर से ई लॉन्चिंग करी थी, उसके साथ ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट कठुआ या बाकी UT के सभी डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए थे। तो इसमें हमने पहले एजुकेशन के 12 जोन डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, 19 ब्लॉक हैं, 257 पंचायत हैं। तो इसमें सभी जोन पे हमने बच्चों के ट्रायल लिए गए। इसमें जो हमें डायरेक्शन थी कि हर जोन पे 200 जो प्लेयर्स है उसमें से बच्चे चुने जाएंगे, तो ये जो बच्चे आज आपके सामने जहाँ पे खेलेंगे ये सारे बच्चे पहले इनका ट्रायल हुआ है जोन लेवल पे, वहाँ से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और 12 के 12 जोन की जो टीमें हैं हमारे पास वो आज यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में और हीरानगर पुलिस लाइन कठुआ और ये स्टेडियम, तीन वेन्यू जो हैं यहाँ पे हमारे ये कंपटीशन चलेंगे। ये टूर्नामेंट हमारी 3 तारीख तक चलेगी और इसमें सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और इसमें से जो सिलेक्टेड टीम है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ को रिप्रेजेंट करेगी आगे, जिसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल कंपटीशन होगा, उसके बाद इंटर डिवीजन स्टेट लेवल कंपटीशन, UT लेवल कंपटीशन होगा। तो वो जो टीमें हैं सिलेक्टेड टीमें आगे जाएंगी। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से, UT की तरफ से बड़ा अच्छा मौका हमारे जो स्पोर्ट्स लवर हैं या अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है आगे निकलने का। तो इस तरीके की जो कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स करवाता रहता है और ये हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा समय है कि हमें ये इतनी अच्छी एक टूर्नामेंट जो है अपने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये मिली, और इसमें हमारा स्टाफ जो है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया की तरफ से। मैं जितने भी इधर आए हुए हैं प्रतिभागी जो हमारे प्लेयर्स हैं, मैं इन सबका वेलकम करता हूं, इनको बेस्ट विशेष देता हूं कि ये जहां से खेल के चुन के इधर आए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया आज हम JK LG रोलिंग ट्रॉफी का इनॉग्रेशन इधर से कठुआ से करने जा रहे हैं। इसका ई इनॉग्रेशन हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने 22 तारीख को किया था, श्रीनगर से किया था, जहाँ पे हमारे ज़िले के लोग भी जुड़े थे। और मुझे बताया गया कि जो हमारी ज़िला है ये 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। उन्हीं 12 जोन से ये बच्चे खेल के प्रतिस्पर्धा में भाग लेके और वहाँ से जीत के आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचे हैं। और पैरेलल ही 3 वेन्यूज़ पे ये जो खेल